हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप करती हूँ अच्छे होंगे। हम भी सब ठीक हैं। और आज का वीडियो है हमारा अंडा करी का। हम बना रहे हैं अंडा करी और ये आप देख सकते हैं कढ़ाई हमने चढ़ा ली है और गैस का फ्लेम कर लिया है ऑन। कढ़ाई गरम हो गई है और इसमें हमने डाल दिया है तेल। तेल गरम होते ही हमने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। इसी के साथ हम डाल सकते हैं खड़े मसाले, दालचीनी, तेज़पत्ता या फिर और चीज़ें। तो हमने इसमें कुछ नहीं डाला है आज। हमने इसमें डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसी को हमने लो फ्लेम में पका लिया है। हमने इसे हल्का ब्राउन किया है और उसी के साथ हमने डाल लिया है टमाटर। हम थोड़ी अपनी करछी की मदद से इसे मिक्स करेंगे और उसी के साथ हमने डाल लिया है नमक। नमक के साथ ही हम करेंगे और मसाले डालने की तैयारी, जिसमें हमने साथ ही डाल लिया है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। इसमें हमने थोड़ा सा डाल लिया है सब्जी मसाला टेस्ट के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अंडा करी मसाला भी डाल सकते हैं, पर वो अभी साथ में मसालों के साथ नहीं डालना है, वो डालना है लास्ट में। तो हमने इसके मसाले अच्छे से पकाने हैं और सारे हमने मिक्स कर लिए हैं। आप देख सकते हैं टमाटर मसाले और प्याज सारे मिक्स हो चुके हैं। टमाटर हमारे सारे गल चुके हैं और इसकी ग्रेवी थिक करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा बॉईल करा हुआ आलू, जो कि हमने पहले बॉईल कर लिया था, छील के उसे मैश कर लिया था। और जैसे ही हमारे मसाले पकते हैं तो हम इसमें, जैसे हमने करी बनानी है जितने लोगों के लिए, अगर हमने उसे बढ़ाना है तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। हमने भी इसमें 2-3 आलू डाले हैं, आप देख सकते हैं। आलू को थोड़े देर मसाले के साथ मिक्स करने के बाद हमने उसमें डाल लिया है थोड़ा सा पानी और अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे और इसे हिलाएंगे थोड़ी देर करछी की सहायता से। हमने इसमें ज़्यादा ही थिक हो गई थी तो इसे हमने थोड़ी सी पानी डाल के हल्का सा बढ़ा लिया है सूप को। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अब अंडे। थोड़ी देर हम इसमें अंडे भी पकाएंगे क्योंकि हमने आज उनको फ्राई नहीं किया हुआ है। अगर आपने अंडे फ्राई कर रखे हैं तो आप उसे थोड़ी देर में भी डाल सकते हैं। अंडों पे हमने थोड़ा सा नाइफ की सहायता से थोड़ी सी हमने उसमें कट मार लिए हैं।
कट मारने से होगा ये कि उसके अंदर भी थोड़ा सा नमक वाला टेस्ट आएगा, वरना एग तो बॉयल एग जैसा ही लगेगा, वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो आप उसमें किसी नाइफ़ या किसी और जैसे फॉक की सहायता से उसमें छेद कर सकते हैं हल्के हल्के। और आप देख सकते हैं हमारे सूप में भी थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया है, तो हम इसे थोड़ी देर कम आंच में पकाएंगे। जैसे ही अगर हम इसे लो फ्लेम में पकाते हैं तो ये अच्छे से पक जाता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे हम घर में बनाते हैं रेसिपी, जिसको खाना बनाना नहीं आता है वो इससे देख के बना सकता है। ये कोई एक्सपर्ट किसी रेस्टोरेंट की रेसिपी नहीं है, घर में सिंपल तरीके से खाने की एक कम मसाले वाली रेसिपी है, जिसे कि हम घर में नॉर्मली सभी लोग ऐसे बनाते हैं। तो जिसको खाना बनाना नहीं आता है आप उसके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। तो हमारी अंडा करी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। इसमें आप अब डाल सकते हैं एक कड़ी मसाला। ये देखिए अब कलर इसका हो गया है चेंज। जैसे इसके मसाले कलर छोड़ देते हैं तो आप इसका गैस का फ्लेम कर दीजिए ऑफ और इसे सर्व कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी अंडा कड़ी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।